بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم In this lecture we will discuss industrial preparation of hydrogen इंडस्ट्रियल लेवल पे आप किस तरीके से हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमने यहाँ देखने हैं वो तमाम मेथड्स जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं नेचुरली भी हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको मिल जाती है लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना हो तो उसके जो है वो कुछ मेथड्स हैं इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं थोड़े से जो है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव मेथड्स हैं और बाकी जो हैं वो मेथड्स हैं जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं जो कि चीपर रेट पे हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं तो वन बाय वन हम उनको स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस स्टीम और हाइड्रोकार्बन प्रोसेस में बेसिकली क्या किया जाता है कि नेचुरल गैस यानी कि मीथेन को हीट किया जाता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट और वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यहाँ लिया जाता है तो आपके पास जब आप वाटर एंड मीथेन यानी कि नेचुरल गैस को नेचुरल गैस आपको इजीली जो है वो नेचुरल सोर्स से मिल जाती है तो ये इतना कॉस्टली मेथड नहीं है आपको जस्ट जो है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करना है तो आपके पास एज अ रिजल्ट जो है मिक्सचर प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड मोनो मीन्स वन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दिस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज नॉन एज वाटर गैस वाटर गैस जो है आपके पास हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर है तो आप के पास जो है वो एग्ज़ाम में यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ वाटर गैस हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड तो एक मेथड आप उसमें ये दे सकते हैं नेक्स्ट इज़ बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल दिस इज़ नॉन एज बॉश प्रोसेस यहाँ जो हमने कार्बन लिया है कोल लिया है बेसिकली वो इन द फॉर्म ऑफ कोक लिया है मतलब आपके पास कार्बन प्योर फॉर्म में ठीक यहाँ भी आप जो है वो वाटर के साथ इसको हीट करेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो ये कार्बन है ये रेड हॉट कोक कहलाता है मतलब ये जब कभी आपने चारकोल को देखा होगा जब आप उसको बर्न करते हैं तो आप उसको हीट करते रहें तो वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो रेड हो जाता है तो वो रेड हॉट कहलाता है वो जो रेड हॉट वाली कंडीशन है वो रिएक्टिव कंडीशन में आ जाता है एक्टिवेट हो जाता है तो सिमिलरली ये जो आपके पास कार्बन है यहाँ पर इसको आपने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करके रेड हॉट के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली वाटर इतने टेम्परेचर पे वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नहीं बल्कि स्टीम होगा तो ये आपके पास अगेन मिक्सचर फॉर्म करेंगे वाटर गैस बनाएंगे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि आपका वाटर गैस कहलाता है तो एक सेकंड मेथड आप वाटर गैस की प्रिपरेशन का ये दे सकते हैं वो पूछते ही आपसे एग्जाम में ऐसे हैं कि गिव टू मेथड फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस ओके अब हम तो भाई प्रिपरेशन देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस की और हमें यहाँ मिल रहा है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि वाटर गैस कहला रहा है तो अब इसको हम हाइड्रोजन को अपने इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से सेपरेट किस तरीके से करें तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ता है जो कि आपके पास सेपरेशन मेथड्स कहलाते हैं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं व्हाट इज़ वाटर गैस हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड गिव टू मेथड्स फॉर इट्स सेपरेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड तो सबसे पहला जो मेथड है वो आपके पास है एक्शन ऑफ स्टीम सिंपल क्या किया जाता है जो आपके पास वाटर गैस है इसको मज़ीद जो है वो स्टीम के साथ हीट करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड तो आपके पास सिंपल जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में ही रहता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर ये इजीली वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं अगेन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस एंड हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो अ गैस तो फिर आपके पास एक मिक्सचर मिला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का तो अब आपने अगेन जो है वो सेपरेट करना तो सेपरेशन ईजिली इसको डिजॉल्व कर देते हैं वाटर के अंदर इन अंडर हाई प्रेशर मतलब ये सारा कुछ बना नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा वहाँ वाटर होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी जबकि जो हाइड्रोजन गैस है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस आप अलग कर लेंगे फॉर सपोज ये एक चैम्बर है जहाँ
ये सिंथेसाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसको आगे मज़ीद एक और चैम्बर के अंदर हम भेज रहे हैं, यहाँ पर वाटर मौजूद है। तो जैसे यहाँ पे एंटर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, और एक यहाँ पर ओपनिंग होगी, इससे हाइड्रोजन गैस आपका नेक्स्ट आगे चैम्बर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो ईजिली जो है वो ये दोनों अगेन सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। इसके अंदर अगेन जो आपका वाटर गैस है इसको हम सबसे पहले कूल करते हैं एट -200°C विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर का जो टेम्परेचर होता है वो -200°C है। आप क्या कह रहे हैं, उसको ठंडा कह रहे हैं इस मिक्सचर को। जब आप इसको कूल कर देते हैं तो आपके पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस अलग हो जाएगी। होगा क्या कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपके पास हैवियर है, ये लिक्विफाई पहले हो जाएगी और ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस आप ऊपर से सेपरेट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको डाउट है कि देर आर ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मतलब इसमें बच गए हैं, तो फिर इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके HCOONa यानी कि सोडियम फॉर्मेट बना लेते हैं, जो कि आपके पास अगेन लिक्विड फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। और मेथड्स देखते हैं। नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक सिटी एंड लिसिस मींस ये इलेक्ट्रिक सिटी है, लिसिस मींस टू ब्रेक। किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप ब्रेक कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोलिसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवानी है तो इलेक्ट्रोलिसिस आपने कहीं भी करवानी है तो आपके पास एक ख़ास किस्म का ऑपरेटर उसके अंदर यूज़ होता है, कोई भी एक कंटेनर, टू इलेक्ट्रोड्स, एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, और एन एक्सटर्नल वोल्टेज। ये वायर्स की हेल्प से आपने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया है और ये आपकी बैटरी है, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव। द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बिकम्स पॉजिटिव इटसेल्फ, ये आपके पास पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव को हम कहते हैं एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। एंड द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी बिकम्स नेगेटिव इटसेल्फ और इसको हम कहते हैं कैथोड। होता क्या है सिंपल कि जैसे ही बैटरी ऑन करते हैं एक इलेक्ट्रोड से जो है इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करवाता है बैटरी और दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट इलेक्ट्रॉन्स को करवा देती है। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का लूज हो गया तो प्रोटॉन बच गए तो के पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट बन जाती है और ये नेगेटिव प्लेट बन जाती है। यहाँ जो हम स्पेसिफिकली हम अपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट हम वाटर ही यूज़ करेंगे और क्योंकि वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट कोई भी एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दें ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाए। तो इसके बाद जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अलग होगा, ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेकर अलग होंगे। तो जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट आपको कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। नंबर फोर्थ मेथड स्टीम मीथानॉल प्रोसेस। मीथानॉल CH3COOH मिथाइल अल्कोहल या मीथानॉल को आप स्टीम के साथ जब हीट करते हैं 250°C तक तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन एंड कार्बन ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन दो एलिमेंट्स से मिलके बने हो हम उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें मीथेन आपकी नेचुरल गैस एक एग्जांपल है। मीथेन को थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब हीट के जरिए आप डीकम्पोज करने का मतलब होता है ब्रेक करना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, मतलब आप जस्ट ब्रेक नहीं कर रहे बल्कि हर एलिमेंट को अलग कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं। तो जब आप मीथेन को 700°C तक हीट करते हैं तो ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर ब्रेक हो जाते हैं।
तो ये जो कार्बन है इसके नीचे मैंने लिखा है कार्बन ब्लैक, ये कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन ब्लैक सेपरेट होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को फर्दर जो है वो सेल आउट कर दिया जाता है। किस तरीके से, कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ को, कार्बन पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ और टायर जहाँ जिन इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, इंक यानी कि ये पिगमेंट के तौर पर यूज़ हो सकता है, ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज़ को ये सेल कर दिया जाता है और हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाती है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है आपके पास, इसमें आपको एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। बाय प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। आपको जो चीज़ आपकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो तो मिल रही है, साथ में कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिससे आप फर्दर जो है वो यूज़फुल है, आप उससे फर्दर जो है वो या तो कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं या आप कहीं किसी और इंडस्ट्री को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ एक आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये एक अच्छा मेथड है। और मीथेन भी आपके पास नेचुरली अवेलेबल होती है, तो ये एक चीप प्रोसेस है। अलबत्ता ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस था ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो अलग जगह पर या दो अलग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल रहे थे, तो प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन आपको इस मेथड से मिलती है। लेकिन लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो वो तमाम एरियाज़ या वो तमाम रीजन्स वर्ल्ड के जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है, तो वहाँ पर ये मेथड जो है वो एक्सपेंसिव मेथड है और वो वहाँ अवॉइड किया जाता है, यूज़ नहीं किया जाता। सिक्स्थ मेथड एंड लास्ट मेथड इज़ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। थर्मल मीन्स अगेन आप हीट से अमोनिया को डीकम्पोज करेंगे, यानी कि उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ब्रेक कर देंगे। NH3 अमोनिया, इसको आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हीट करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर ब्रेक हो जाएगी। अगेन नाइट्रोजन इज़ अ गैस, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस, इनको सेपरेट कैसे करना है, आप क्या करते हैं, इसको कूल कर देते हैं एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें आपकी जो नाइट्रोजन है वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजन गैस आपकी इन दी फॉर्म ऑफ गैस रहती है। तो लिक्विड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा इतने टेम्परेचर के ऊपर और जो हाइड्रोजन गैस है वो ऊपर रहेगी, तो वहाँ से उसको ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। तो ये आपके पास कुछ मैथड्स थे जिनकी हेल्प से आप हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।